नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगा मैन इन रशिया में। आज हम बताएंगे आपको 15 मिनट डेली योगा रूटीन। इस 15 मिनट डेली योगा रूटीन को लाने का उद्देश्य ये है कि अगर आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, आपके पास इतना समय नहीं है या फिर आप इतना समय ज़्यादा नहीं निकल पाते हैं, तो 15 मिनट डेली योगा रूटीन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आसनास और प्राणायाम शामिल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम एक तरीके से वार्म अप की तरह होते हैं। आपके जॉइंट्स में जो एयर होती है और जॉइंट्स में जो भी अकड़न होती है वो छूट जाती है और आपका शरीर एक तरीके से योगा के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो चलिए सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सबसे पहले सुखासन की स्थिति में कमर सीधी और अपने हाथ अपने घुटनों पर रख सकते हैं या फिर आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 से 6 बार, धीरे धीरे बिल्कुल। अपनी नेक मसल्स को फील करेंगे, अपना ध्यान ब्रीथिंग पे। अब एंटी क्लॉकवाइज आपको करीब 5 से 6 राउंड करने हैं। मैं 2-3 करके दिखा रहा हूं। अब अपने शोल्डर की मसाज करवाएंगे, धीरे धीरे अपने कंधों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 से 6 बार, उसके बाद 5 से 6 बार एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपके शोल्डर जॉइंट है वो जो भी अकड़न होती है वो निकल जाती है और आपके जॉइंट्स फ्री हो जाते हैं। अब अपने हाथ सीधे करेंगे और कलाइयों को धीरे धीरे घुमाएंगे, दोनों डायरेक्शन में घुमाना है, करीब 4 से 5 राउंड। अब टॉर्सो को थोड़ा लेफ्ट और राइट थोड़ा स्ट्रेस देंगे ताकि आपकी स्पाइन और आपकी थोरेसिक कैविटी के जॉइंट्स में जितने भी एयर हैं वो निकल जाए और थोड़ी सी एक तरीके से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए। अब आप अपने दोनों पैर फैला के दंडासन की पोजीशन में आ जाएंगे, अपनी कमर सीधी रखेंगे और धीरे धीरे पांवों को अपने दोनों डायरेक्शन में घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने एक पैर को मोड़ के जो एड़ी है उसको अपने मध्य भाग में लगाएंगे और फिर धीरे धीरे हाथों की सहायता से हिप जॉइंट की एक्सरसाइज करवाएंगे। अब दूसरा पांव भी। सबसे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत ही लाभप्रद है। अगर आप इसे नित्य रूप से करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और शरीर के अंदर गर्मी और ऊर्जा का संचार होता है। मैट के किनारे पे खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, कमर सीधी रहे और नीचे आएंगे। अब फिर से सांस को भरेंगे और अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, घुटना जमीन को छूता हुआ, और आगे की तरफ देखेंगे।
अब सांस छोड़ेंगे और ट्रायंगल पोज में आ जाएंगे। सांस को बाहर ही होल्ड करके रखेंगे और धीरे धीरे नीचे आएंगे। दोनों हथेलियां जमीन को छूती हुई, घुटने जमीन को छूते हुए, हिप्स आपके जमीन से ऊपर उठे हुए, होल्ड करके रखेंगे 5 से 6 सेकेंड। सांस भरेंगे और भुजंगासन की स्थिति में आ जाएंगे। फिर से सांस छोड़ेंगे और ट्रायंगल पोज में आएंगे। सांस भरेंगे और अपने बाएं पैर को आगे की तरफ लाएंगे। दाहिने पैर का घुटना जमीन को छूता हुआ और सांस भरेंगे और आगे की तरफ देखेंगे। सांस छोड़ेंगे फिर से सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे और फिर से प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे। अब हम 5 आसन करेंगे जिससे आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपके शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में रक्त का संचार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन है अर्ध मत्स्येन्द्रासन। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने एक पाँव को अपने मध्य भाग में लगा देना है और फिर इस तरीके से, और दूसरे पाँव को अपने मुड़े हुए पाँव के घुटने पर लगा देंगे। अब अपने जो पाँव आपका ऊपर है उस पाँव के जो ऑपोजिट में विपरीत दिशा में जो हाथ हैं उसको इस तरह से ले जाएंगे और इससे पाँवों को अंगूठों को पकड़ लेंगे या फिर उंगलियों को छूते हुए और शरीर को इस तरह से घुमा के इस हाथ को यहाँ रख देंगे और इसी पोजीशन में 10 श्वासों तक रुकेंगे। अगर आप पूरी तरह से हाथ को इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो शुरुआत में आप इस तरीके से कर सकते हैं। यही क्रिया आप दूसरी तरफ से दोहराएंगे, इसी आसन को आप दूसरी तरफ से दोहराएंगे। दस सांसों को गिनना है मन ही मन। दूसरा आसन है जानु शीर्षासन। इससे आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपकी हैमस्ट्रिंग मसल से वो ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच हो पाएगी। इसको कैसे करना है, सबसे पहले एक पाँव को सीधा फैला देंगे, दूसरे पाँव को मोड़ के मध्य भाग में लगा देंगे और सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ेंगे और धीरे धीरे नीचे आएंगे और अपने पाँव को हाथों से पकड़ लेंगे और अपना जो सर है वो घुटने को छूता हुआ, नहीं छुए कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से रह सकते हैं। अब अपन करेंगे दूसरी साइड से। अब अगला आसन है उष्ट्रासन। इसके लिए आपको सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है, फिर आप इस तरह से ऊपर उठेंगे और अपने दोनों हाथों को एड़ियों पर रख देंगे और इस अवस्था में 10 सांसों तक इसी अवस्था में रहेंगे। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आएंगे। अगला आसन है बालकासन या चाइल्ड पोज कह सकते हैं। इसके लिए अपने दोनों घुटनों को इस तरह से फैला देंगे वज्रासन में पोजीशन में आके और फिर सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ेंगे और धीरे धीरे नीचे आएंगे और अपनी ललाट को जमीन को छूने देंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स कर देंगे और अपनी कमर को ढीला छोड़ देंगे और इसी अवस्था में
10 श्वासों तक रुकेंगे। धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। अब करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम। सबसे पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी आलती पालती मार के कमर सीधी और इस अवस्था में सुखासन की अवस्था में बैठ जाएंगे। फिर अपने हाथ के अंगूठे को अपने नासा छिद्र पे रखेंगे और इसे बंद कर देंगे। फिर धीरे धीरे श्वास भरेंगे नासा छिद्र को बंद करके, श्वास को अंदर रोकेंगे। फिर दूसरी तरफ से सांस को छोड़ देंगे, बाहर ही होल्ड करके रखेंगे। अब धीरे धीरे वापस सांस को लेंगे। फिर बंद कर देंगे और सांस को अंदर होल्ड करके रखेंगे। सांस को छोड़ेंगे, फिर वापस सांस को लें। आपको दाएं से सांस लेनी है और बाएं से छोड़नी है, फिर वापस बाएं से लेनी है और दाएं से छोड़नी है, हमेशा इस तरीके से। आपको मैं तेजी से करके बताता हूं। इस तरीके से श्वासों की 3 आवृत्तियां कम से कम आपको पूरी करनी है। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें आपको तर्जनी उंगली को अपनी आंखों के इस भाग पे रखना है और अंगूठे से अपने दोनों कानों को बंद कर देना है इस तरीके से। और फिर आपको लंबी श्वास भरनी है और धीरे धीरे श्वास को ओम के गुंजन के साथ धीरे धीरे भंवरे की तरह आपको बाहर निकालनी है। जैसे भंवरा गुनगुनाता है इस तरह की ध्वनि आपको निकालनी है। शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार, आसन और प्राणायाम पूर्ण हुए। अभी हम करेंगे आखिरी आसन जिसका नाम है शवासन। ये आपके शरीर में जिस भी तरह की ज़्यादा स्ट्रेस हुआ हो कहीं बॉडी में, या फिर एक तरीके से बॉडी को रिलैक्स करने के लिए जब भी आप आसन या योगा करते हैं उसके आखिर में शवासन करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है और शरीर को एक नई ताजगी मिलती है। शवासन के लिए आपको सीधा जमीन पे पीठ के बल लेट जाना है और धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लेंगे, लंबी लंबी सांसें छोड़ेंगे। अपना ध्यान सांसों पे रखेंगे। जब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं तो 2-3 मिनट या 4-5 मिनट के अंतराल के बाद आप धीरे धीरे उठ सकते हैं। मैं आपको 30 सेकंड में ये पूरा करके दिखाऊँगा। अपने हथेलियाँ जमीन ऐसे आसमान की तरफ, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे, पूरी तरह से रिलैक्स।
अपने शरीर को एक साइड में मोड़ेंगे और फिर धीरे से उठ जाएंगे इस तरीके से। एकदम से नहीं उठना है आपको, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने दिखाया वैसे उठना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन में बेल का बटन है वो दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।